हेलो फूड लवर्स, वेलकम टू अरोमा ऑफ किचन। आज की रेसिपी है पालक पत्ता चाट। बेसिकली ये एक पार्टी स्टार्टर है, पर आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती है ये बनने में। मेन बात जो है वो पत्ता बनाना है, बाकी की टॉपिंग्स तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बीच बीच में मैंने टिप्स और ट्रिक्स दिए हैं ताकि आप जब बनाएं तो उनका रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आए। उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली रेसिपी आपको तुरंत देखने को मिल जाए। पहले हम बनाएंगे पालक के पत्ते के पकौड़े, जिसके लिए एक बोल लिया है और उसमें मैं डाल देती हूँ लगभग 3/4 कप बेसन। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच चावल का आटा। आप चावल के आटे की क्वांटिटी बढ़ा या घटा भी सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप 2 से 3 चम्मच सूजी भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी फ्लेवर लेके आता है पकोड़े के अंदर। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन। उसके साथ हम डाल देते हैं 1/4 छोटी चम्मच हींग, अच्छे फ्लेवर के लिए, अच्छे कलर के लिए डाल देते हैं 1 चुटकी हल्दी। तीखेपन के लिए डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसको आप बढ़ा या घटा भी सकते हैं, और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ये इंग्रेडिएंट्स थे हमारे पालक पत्ते के पकोड़े बनाने के लिए। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी मसाला किसी एक जगह पर नहीं रहता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब हम बनाएंगे बैटर, तो उसके लिए लेते हैं पानी और डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए बनाएंगे बैटर, जिससे क्या होगा कि लम्स नहीं पड़ेंगे और बैटर बहुत ही स्मूद होगा। तो जैसा हम पकौड़े का बैटर बनाते हैं बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी का हमें बैटर बनाकर तैयार करना है। तो देखिए बैटर बनकर तैयार है। तो अब बनाना शुरू करते हैं पकौड़े। तो उसके लिए मैंने लिए हैं पालक के पत्ते। ये मीडियम साइज से लेके बड़े साइज तक के पत्ते हैं। इनको मैंने काफ़ी अच्छे से धो के सुखा रखा है और जो मोटी नीचे डंडी होती है उसे हटा दिया है। तो इनको अब हम डिप करेंगे बैटर में। बैटर को लगभग 5 से 7 मिनट का रेस्ट दे दिया था ताकि जो चावल का आटा है वो अच्छे से फूल सके। और नीचे हमने रख दिया है तेल गरम करने के लिए। तो हम जैसे ही पालक का पत्ता डिप करते हैं उसे साथ के साथ हम ऑयल में डालते जाएंगे। अब पत्ता डिप करते समय दोस्तों जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जो पत्ता है वो कहीं से भी मुड़ना नहीं चाहिए। और थोड़ा सा हम इस तरह से ऊपर रखेंगे और एक्सेस बैटर जो है वो वापस से हटा देंगे। और साथ में हम डाल देते हैं ऑयल में। ऑयल अच्छा गर्म है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है। इसी तरीके से सारे पत्ते हम डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। और इन पत्तों को अब हम तब तक नहीं हिलाएंगे जब तक कि ये सारे पत्ते ऊपर नहीं आ जाते। इसको कर प्रोसेस में लगभग 3 से 4 मिनट लगेगा। फ्लेम रखेंगे मीडियम पे, ना हाई ना लो। तो लगभग 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे तो पत्ते बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। इस स्टेज पर हम इन्हें पलटेंगे और वापस से 2 से 3 मिनट तक सेकेंगे। तो एक बैच तैयार होने में फ्रेंड्स आपका लगभग 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। अब एक बात आती है फ्रेंड्स कि ये जो पत्ते हैं इनको हमें तुरंत सर्व करना होता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि मेहमानों के सामने हम ये सारे काम नहीं कर सकते, इतना लंबा प्रोसेस। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि 3-4 घंटे पहले इन पत्तों को आधा फ्राई करके रख दीजिए। लाइक ये अभी आधे फ्राई हो चुके हैं तो आप इस स्टेज पर इन्हें निकाल कर रख दीजिए। उसके बाद जब आपके मेहमान आ जाएं तो आप हाई हीट पर 1 मिनट तक इन्हें फ्राई कर दीजिए, ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। हम इन्हें निकाल लेते हैं एक स्पैचुला में और थोड़ा सा शेक करेंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो वापस से निकल जाए। बाकी के सारे बैच भी हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारे बैचेस बनकर तैयार हो गए हैं। इतने बैटर से मैंने 17-18 पत्ते फ्राई करे थे। तो अब चलते हैं चाट बनाने के लिए। जो हमने पकोड़े बनाए हैं उनको हमने इस तरीके से प्लेट में अच्छे से अरेंज कर रखा है। ओवरफिल नहीं करेंगे किसी भी स्टेज पर किसी भी चीज़ को। अब बारी आती है सजाने की, तो आपको जैसे अच्छे लगे आप वैसे सजाइए। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे डेकोरेट किया था। तो उसके लिए मैंने डाली है यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज, साथ ही में हम डालेंगे टमाटर। तो देखिए कितने बढ़िया टमाटर आ रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल लाल लाल, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं ये किसी भी चाट में। अच्छे से डाल दिया है बारीक चॉप करके। इनके सीड्स जो हैं वो हटा लीजिएगा,
साथ में हम डालेंगे उबले हुए आलू, उनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। साथ में डाल दिए हैं रोस्टेड पीनट्स। अब डाल लेते हैं कुछ मसाले। तो शुरू करते हैं जीरा पाउडर के साथ। अब हम डालेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसाला किसी भी चाट का, जो कि है चाट मसाला। यहाँ पर दोस्तों इसमें ऊपर हम किसी भी स्टेज पर नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सारे मसालों में थोड़ा बहुत नमक होता है। अब अच्छी खट्टेपन के लिए डाल देते हैं खटाई, यानी कि अमचूर पाउडर। अब हम डालेंगे मीठी दही। दही को अच्छे से फेंट के उसमें चीनी मिला रखी थी मैंने, मीठी दही। अब हम डालेंगे तीखी हरी चटनी। तो देखिए, खटाई के लिए हमने अमचूर डाल दिया था, मीठे के लिए मीठा दही, और तीखे के लिए हरी चटनी डाल देते हैं। आप चाहें तो इसमें इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे डेकोरेट करके प्रेजेंट करना चाहते हैं। बस बात ये ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज़ मैसी नहीं लगनी चाहिए। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डाल देते हैं, जैसे कि धनिया। अच्छे कलर के लिए, मतलब मुँह में पानी ना आए किसी के तो आ जाए, ऐसी रेसिपी है ये दोस्तों। थोड़ी सी नमकीन डालेंगे। तो आपको स्पेशली सेब ही डालने होंगे, सेब में आप कोई भी वैरायटी ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं डाल रही हूँ अनार के दाने, इसको और टेम्पटिंग बनाने के लिए। तो लीजिए, मेरी चाट बनकर बिल्कुल तैयार है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम भी इसको खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी होगी रेसिपी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए जब भी आपके घर में मेहमान आए, या फिर वीकेंड पे आप इसे अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलेंगे फ्रेंड्स इसी तरीके की और माउथ वाटरिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।